रायगढ़ शहर में आईपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट में क्रिकेट सट्टा खिलाने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के पास से 1,35,00,000 का सट्टा पट्टी सहित 4,00,000 के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और 35,000 नकद जब्त किया गया है। दरअसल बीते 12 अप्रैल को 3 आरोपी सट्टा खाई वालों को रायगढ़ पुलिस ने पकड़ा था। उनसे पूछताछ पर अन्य लोगों की जानकारी जुटाई गई और शहर के कई जगह छापेमारी की गई, जिससे 4 आरोपियों को रंगे हाथ ऑनलाइन क्रिकेट मैच में सट्टा खिलाते हुए पकड़े गए। पूरा मामला कुछ पता होगा कि 12 तारीख को शहर में एक आईपीएल सट्टा संचालित हो रहा था, जिसपे टीआई कोतवाली के नेतृत्व में छापेमार की कार्रवाई की गई थी। इस दौरान यहाँ में सटोरिया जैसे विष्णु अग्रवाल, ऋषि अग्रवाल, सुरेश अग्रवाल और रोहित भूटानी को अभिरक्षा लेकर पूछताछ किया गया था। साथ ही साथ इन पर सार्वजनिक जुआ के दूध अधिनियम की धारा 4 के तहत मामला पंजीबद्ध करके आपसी धारा 109 के तहत कार्रवाई की जा रही थी। इस दौरान हमें पता चला इनसे पूछताछ में कि और भी जो सटोरिए हैं जो विभिन्न जगहों में बैठकर आईपीएल का संचालन कर रहे हैं, जिसकर सूचना मिलने पर पुनः टीआई कोतवाली के नेतृत्व में एक टीम गठित कर इनकी पदस्थाजी की गई, जिस पर हमें करण चौधरी, दीपक भूटानी, अमन शर्मा, विकास अग्रवाल की सट्टा खिलाते हुए पाए गए। लगभग इनसे 1,35,000 की सट्टा पट्टी रजिस्टर में जो लिखित दर्ज किए गए हैं। साथ ही साथ हम अगर देखें तो हमें 22,000 कैश बरामद हुए हैं। इसके अलावा 2 टैब, 3 लैपटॉप, 25 मोबाइल, पेन ड्राइव, ये अभी अन्य जो आधार कार्ड ये प्राप्त हुए हैं। साथ ही साथ इनके मोबाइल से देखने पर समझ में आ रहा है कि ऑनलाइन जो ट्रांजेक्शन करोड़ों रुपये के हैं जो विभिन्न अकाउंट में माध्यम हो रहे हैं, इन और हो रहा है, इस पर भी निर्देशित किया गया है कि उस अकाउंट को की जानकारी लेकर होल्ड किया जाए तथा अग्रिम कार्रवाई की जा सके। BCP 24, नंबर 1 ग्रोइंग न्यूज़ नेटवर्क।